स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों मैं इमांश क्लियर एचपी क्लर्क एग्जाम एंड सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जी आज दिन आरआरबी क्लर्क मेंस के ऊपर ये वीडियो रहेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ तो उनके आंसर भी मैं बताऊँगा। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बताना कि अपने अटैम्प्ट इंडिविजुअल अपने अटैम्प्ट भी बताना कि इसमें कितने कितने किए हैं। और जीए ऑलमोस्ट सबके लिए टफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जीए ख़राब हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेन जिनका क्वांट रीजनिंग और अदर में अच्छा स्कोर आ रहा है उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जीए सबके लिए टफ आया। और थोड़ा इस बार मतलब 2020 लास्ट ईयर भी इस बार भी अलग टाइप का जीए पूछने लग गए। जब 2019 में मैंने पहला मेंस दिया था उसमें थोड़ा इजी जीए आता था जो बैंक में पूछा जाना चाहिए, बट अब थोड़ा अलग सा जीए पूछने लग गए। बट कोई बात नहीं, तो कट ऑफ भी कम जाएगी इसकी, सेक्शनल कट ऑफ भी जीए वाली। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। एक क्वेश्चन यह था कि व्हाट इज़ द टर्नओवर ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस, और उसके अंदर दिया था कि इनका इन्वेस्टमेंट होता है 50 करोड़, तो उनका टर्नओवर की लिमिट कितनी है, तो वो होती है अप टू 250 करोड़। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एक बार। और बहुत जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो मैं बताऊँगा। और एक क्वेश्चन ये था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एल्केमिस्ट नॉवल, तो एल्केमिस्ट नॉवल के ऑथर कौन थे, वो थे पाउलो कोएलो, ब्राज़ील के हैं ये। अगर एक क्वेश्चन ये था कि वेयर इज़ द नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर है, क्लियर दिख रहा होगा आपको। और आरबीआई का न्यू अकाउंटिंग ईयर पूछा है, तो वही अप्रैल टू मार्च, पहले चेंज हो गया था अप्रैल से मार्च। रिप्लाई ज़रूर करना कमेंट में अपने अटैम्प्ट। और एक क्वेश्चन ये था, ये अजीब सा ही क्वेश्चन था, मिल्खा सिंह वाज लॉस्ट इन 400 मीटर रेस इन 1960, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने जीतते रह गए, वो ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये रोम ओलंपिक था 1960 के अंदर, रोम ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे था, तो ये 29 जून को आता है इंडिया वाला। और एक क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 थी। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स उसका भी था, बट वो क्वेश्चन नहीं था, मैंने कंफर्म किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी कि ये इंडियन ओरिजिन है और यूएसए के हैं, उनका नाम क्या है। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, तब मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट में बता रहे कौन से स्टेट से थे, मुझे पता था कि यूएसए के हैं, बट मैंने आप लोगों को वैसे ही बोला था। और किसी ने कमेंट भी किया था कि यूएसए हैं सर, अभिमन्यु मिश्रा, और मैंने इंपॉर्टेंट भी बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये था कि ओपीसी की फुल फॉर्म पूरी नहीं पूछी थी, उसमें पी पूछा था शायद, ये होता है वन पर्सन कंपनी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, मालेरकोटला सेपरेट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, ये मालेरकोटला पंजाब का भी 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है, और ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट हुआ है, संगरूर। और क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन हु रैंक्स 41st इन दैट लिस्ट, तो 41वें नंबर पर कौन है फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में, वो है निर्मला सीतारमण जी अपने वित्त मंत्री। और 55th पे रोशनी नादर मल्होत्रा जो एससीएल के हैं, वो है 55th पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंट्री एज इन दीनदयाल अंत्योदय स्कीम, तो दीनदयाल अंत्योदय स्कीम में एंट्री एज 18 से 35 है, 35 ईयर, ठीक है। और थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आए कि एक क्वेश्चन ये था, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर टॉप 3 में कौन कौन थे, उनको अरेंज करना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑकलैंड था, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, सेकंड पे था ओसाका, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, पूरा तीनों बताए थे मैंने एक साथ कि तीनों याद रखना। थर्ड पे था एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि एच एम व्हाट डस ए मीन्स,
एचएम के अंदर, एचएम की फुल फॉर्म पूछी थी, और एचएम के अंदर ए का मतलब क्या होता है ये पूछा था, ठीक है। तो एचएम की फुल फॉर्म थी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, तो ए का मतलब पूछा था, ए का मतलब एन्यूटी, ठीक है। हाँ, ये भी थोड़ा घूम के क्वेश्चन आया कि जो इन समर ओलंपिक जो भी जापान में हुआ था, माना पटेल पार्टिसिपेट इन विच टाइप ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग का भी टाइप पूछ लिया। तो ये इन्होंने पार्ट लिया था बैक स्ट्रोक 100 मीटर स्विमिंग के अंदर, बैक स्ट्रोक 100 मीटर स्विमिंग के अंदर। स्विमिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके अंदर से पूछा है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को क्या बोलते हैं, तो इनको बेड बैंक बोलते हैं। उसके अंदर 12% स्टेक कैनरा बैंक का है सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। इंटरेस्ट रेट फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टेड अकाउंटेड एक्ट कौन से ईयर में था, ये 1949 में था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था कि फेसबुक ने लॉन्च किया न्यू सर्विस दैट अलाउस राइटर्स टू पब्लिश फ्री एंड पेड न्यूज़ लेटर्स, तो फेसबुक ने बुलेटिन लॉन्च किया है कि वो कोई भी कुछ भी लिख सकता है और उसको फेसबुक पब्लिश करेगा, ठीक है। पूरी लास्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया, यूएई होप होप मिशन है, मार्स मिशन लॉन्च बाय विच कंट्री, तो जापान, जापान ने लॉन्च किया है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था ये अगस्त का पार्ट वन के अंदर, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। और RBI has increased the collateral free loans provided to self-help group under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission to how much? तो इसका कट गया था 20 लाख करोड़, 20 लाख रुपए। ये मैंने पढ़ाया था और मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आया एग्ज़ाम में, ठीक है। अब और बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन गूगल मैप्स की पार्टनरशिप पे था शायद, तो पूरा क्वेश्चन नहीं पता बट शायद उसका आंसर कंफर्म नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म नहीं है इसलिए आंसर इसरो था, ये लास्ट ईयर का ही था। और एक गोल्ड से रिलेटेड कोई लिमिट था 10 ग्राम 50 ग्राम, और एक प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन था, मैंने बोला था गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, दो दो क्वेश्चन आए। और बहुत सारे बजट के बता रहे हैं, स्वच्छ भारत योजना ऐसा कुछ आया नहीं था दोस्तों, मैंने कन्फर्म किया है बहुत जगह से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मैंने अभी IPS क्लर्क मेंस 2019 का स्कोर कार्ड बताया वो देखना, प्लस IPS क्लर्क की सैलरी भी बताई है चैनल के ऊपर ही, वो जाके एक बार ज़रूर देखना कि IPS क्लर्क की कितनी सैलरी होती है। मेरी खुद की सैलरी मैंने बताई है आप लोगों को, सैलरी स्लिप मेरी। और IPS क्लर्क के लिए और कोई भी अगर आपको डाउट हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का, सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।